किए हैं? एक्शन क्या करेंगे यार, हम पुलिस हैं, ट्रैफिक भी देखना, ट्रैफिक इफेक्ट्स एवरीबॉडी, इट इज पैरामाउंट। सबसे पहले ट्रैफिक ही लोगों को इफेक्ट करता, और मैं तो ट्रैफिक एसपी था पटना में, और अशोक राजपथ से लेके गांधी सेतु तक, जो गांधी सेतु लोग 4 घंटे में पार नहीं कर पाते थे, उसको 20 मिनट में पार करा दिया। मैंने तो पुल बनाने की ताकत नहीं है, पुल तो सरकार बनाएगी, बड़े बड़े पदाधिकारी बनाएंगे। मेरी औकात ठेला हटाने भर की है। सरकार अगर पुल बना भी देगी या उसका मुंह हम ठेला से जाम कराएंगे तो ट्रैफिक चलेगा यार? नहीं चलेगा। गांधी सेतु भी क्या किया मैंने, लेन ड्राइविंग कराया और गांधी सेतु कनेक्ट हो गया। तो बस चौक ही, जैसे ये प्रजातंत्र चौक है, हमने पोल डिफाइन कर दिया, आदमी लगा दिया, इसमें 100 गज तक, मुझे 100-150 जो भी है, कोई ऑटो टोटो का ठहराव नहीं होगा, अगर होगा तो उसका हवा खोल दीजिए, ठीक है, कोई ठेला नहीं लगाएगी, चारों तरफ 100-100 गज तक नहीं होगा, वन वे स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, साइन बोर्ड लग रहा है, 5,000 फाइन। सर क्या कारण था कि आज आपको सड़क पर उतरना पड़ गया? हम पुलिस से, मतलब गजब, मैं अभी पुलिस अधीक्षक नवादा हूँ, मैं यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा हूँ, मालिक बात समझिए, ये मेरा पहला प्यार है, फर्स्ट पोस्टिंग यही थी। कुछ तो कारण रहा होगा सर जो आपको आना पड़ा, जिले के एसपी को उतरना पड़ गया सड़क पे, क्या आपके? मैं नहीं जानता हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन जो एसपी जिला के सड़क पर नहीं उतरते हैं उसके बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ। जब आप रोड पर उतर के देखेंगे क्या है समस्या, और ये सबसे पहले लोगों को इफेक्ट करता है। हर एसपी को रोड पर उतरना चाहिए, है तो हम तो बोलेंगे, अगर नहीं उतरता है तो गलत करते हैं, गलत करते हैं। और चैम्बर से बैठ करके ट्रैफिक नहीं चलती, रोड पे चलती है मालिक, ये ठेला यहाँ है, जब तक आकर के हम देखेंगे नहीं, हम चैम्बर में बैठे बैठे कर देते क्या? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा किया है, और ये पदाधिकारी है हमारे, मेरा विश्वास है, जितनी छोटी सी बात कही इतना करवा दीजिए, नवादा में अब जाम नहीं लगेगा फॉर श्योर। क्या लगता है सर आपको एक दिन के एक्शन से सारा जंग छूट जाएगा? हम तो छोड़ाए हैं पटना में, एक दिन के एक्शन से छोड़ाए हैं।